नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष राठौर, इंडियन रियल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैं अपने देश में होने वाले सभी ऐसे बदलाव जो कि भारतीय रेलवे में आ रहे हैं उसके बारे में बताता ही रहता हूँ। ऐसे ही रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में भी हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको हम ट्रेन 20 कहते थे, जब 2020 का हम इंतजार कर रहे थे कि एक ट्रेन 20 आने वाली है, वो ट्रेन कभी आई नहीं, लेकिन डिले होते होते आज उसका प्रोजेक्ट यहाँ तक आ गया। लेकिन अब बहुत तेजी से इस ट्रेन पर काम चल रहा है, जिसे हम आज स्लीपर वंदे भारत के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका नामकरण अभी, जब ये ट्रेन आएगी तभी होगा नया। तो दोस्तों, ये जो ट्रेन होने वाली है, ये ट्रेन मार्च 2024 में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अब कंपनी और साथ में ही रेलवे मंत्री दावा कर चुके हैं कि वो 2024 के मार्च महीने तक इसको पूरा कर देंगे। तो ये पहला रेक जो आएगा, इसको लेकर के BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि डिफेंस और साथ में ही रेलवे के रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में काफ़ी काम करती आई है। ये जो कंपनी है दोस्तों, ये ICF के साथ मिलकर के ऐसी लगभग 10 स्लीपर वंदे भारत बनाएगी। इसमें पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो ये बना रहे हैं अपनी बेंगलुरु की फैसिलिटी में, वहाँ को लेकर के दोस्तों जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, BEML ने पहली बार एक आर्टिकल को लेकर के पोस्ट करी है और उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि वो कितना ज़्यादा खुश हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के। उन्होंने बताया है कि उनके फाउंडेशन से लेकर अभी तक 60 साल हो चुके हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गर्व है कि इस 60वें साल में उन लोगों ने भारतीय रेलवे के लिए, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट तैयार किया है। ये ट्रेन एक गिफ्ट ही है। इस ट्रेन के वजह से इंडियन रेलवे में जो ट्रैवल का अनुभव है वो पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज होने वाला है, ऐसा BEML का कहना है। और यहीं से हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है इस ट्रेन को लेकर के। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, मैक्सिमम कंफर्ट दिया जाएगा, स्पेशियस कैबिन होंगे, कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और बहुत सारे फीचर्स जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी एक नई पोस्ट में उन्होंने एक आर्टिकल को यहाँ पर पोस्ट किया है। ये आर्टिकल जो है, इसके अंदर हम जाते हैं तो दो ये पिक देखने को मिलती हैं। इसमें और सभी पिक से तो हम फैमिलियर हैं, लेकिन ये ब्लू कलर के कुशन वाली जो सीट्स की जो ये पिक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक नई पिक यूज हुई है। हालांकि ये पिक हमारी नई बन रही वंदे स्लीपर की ही पिक है, ऐसा इस आर्टिकल में कहीं नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ, इस तरीके की पिक यूज जरूर की गई है और BEML ने इसको पोस्ट किया है। साथ में ही यहाँ पर एक नीचे एक और पिक्चर आपको देखने को मिल रही है, ये भी इसी आर्टिकल के अंदर की पिक्चर है, तो ये भी एक नई पिक्चर यूज़ की गई है जो अभी तक यूज़ नहीं की गई थी। तो अगर इस तरीके का इंटरव्यू भी देखने को मिलता है तो ये भी एक बहुत नया सा इंटरव्यू देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी कोई भी पुष्टि नहीं है कि ये बिल्कुल स्लीपर वंदे भारत की ही पिक्चर है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ लीक्स आती रहती हैं स्लीपर वंदे भारत के प्रोडक्शन को लेकर के, और इन सभी के बारे में मैं डिस्कशन करता हूं अपने चैनल इंडियन रियल डायनेमिक्स में। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और पहले से सब्सक्राइबर हैं तो ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।